हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट रवि अदिति क्लासेस। आई एम अदिति और आज के वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक रहेगा नीरज चोपड़ा के ऊपर। तो नीरज चोपड़ा से रिलेटेड जो जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है फ्रेंड्स, 2020 में नीरज चोपड़ा ने हमारे इंडिया को टोक्यो ओलंपिक्स में जो है गोल्ड मेडल जितवाया था 13 ईयर्स के बाद। इसी के साथ इन्होंने एक बार फिर से कमाल कर दिया है, इन्होंने हमें एशियन गेम्स 2023 में भी गोल्ड मेडल जो है वो जितवा दिया है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो सभी क्वेश्चंस जो हैं हम आज की लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सेशन के साथ आप एंड तक बने रहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको इस वीडियो से आपके एग्जाम के टाइम पे। तो चलिए आज के सेशन को हमारे स्टार्ट करते हैं हमारे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, नीरज चोपड़ा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो नीरज चोपड़ा जो है फ्रेंड्स, इनका संबंध किस खेल से है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा आपका, जैवलिन थ्रो। तो जैवलिन थ्रो, जिसे कि हिंदी में भाला फेंक कहा जाता है, इससे संबंधित है नीरज चोपड़ा। अगर फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि भाला फेंक का खेल जो है ये होता कैसा है, देखिए जो जैवलिन थ्रो होता है ये एक ट्रैक एंड फील्ड इवेंट है वेयर द जैवलिन अ स्पेयर अबाउट 2.5 मीटर इन लेंथ इज थ्रोन एज फॉर एज पॉसिबल। द जैवलिन थ्रो गेन्स मोमेंटम बाय रनिंग विद इन प्री डिटरमाइंड एरिया। और जैवलिन थ्रोइंग इज एन इवेंट ऑफ बोथ द मेंस डीकैथलोन एंड वुमेन्स हेप्टेथलोन। ओके, जो जैवलिन थ्रो होता है फ्रेंड्स ये एक ट्रैक और फील्ड खेल है जहाँ की भाला जो है हमें लगभग 2.5 मीटर यानी कि 8 फीट 2 इंच लंबा भाला जो है फेंका जाता है। भाला फेंकने वाला एक पूर्व निर्धारित क्षेत्र में दौड़कर जो है वो गति प्राप्त करता है और भाला फेंकना जो है ये पुरुषों के लिए डीकैथलोन और महिलाओं के लिए हेप्टाथलोन के रूप में जो है खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, नीरज चोपड़ा इज बिलोंगिंग टू विच स्टेट। तो जो नीरज चोपड़ा है इनका संबंध जो है वो किस स्टेट से है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, हरियाणा। तो हरियाणा से जो है बिलोंग करते हैं नीरज चोपड़ा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो नीरज चोपड़ा वाज बोर्न ऑन 24 दिसंबर 1997 इन पानीपत डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा स्टेट। तो इनका जो जन्म है ये हरियाणा की पानीपत डिस्ट्रिक्ट में 24 दिसंबर 1997 को जो है हुआ था। और नीरज चोपड़ा इज़ ऑल्सो नोन एज गोल्डन बॉय। फ्रेंड्स इन्हें जो है गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने हमारे देश को अब तक कई सारे गोल्ड मेडल्स जो हैं वो जितवाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच मेडल हैज़ बीन वोन बाय नीरज चोपड़ा एट द एशियन गेम्स 2023। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड मेडल। तो एशियन गेम्स 2023 में जो है नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से गोल्ड मेडल हमारे देश को जितवाया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम कवर करें तो वर्ल्ड चैंपियन नीरज चोपड़ा वोन द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन 19th एशियन गेम्स 2023। जो 2023 में फ्रेंड्स एशियन गेम्स खेली जा रही हैं जो कि चीन के होंगजाउंग शहर में हो रही हैं, इनका ये 19th एडिशन है। वेन नीरज डिड दिस फीट बाय थ्रोइंग द जैवलिन अ डिस्टेंस ऑफ 88.88 मीटर्स अपार्ट फ्रॉम नीरज, किशोर जैना वन सिल्वर मेडल फॉर इंडिया। इसके अलावा जो किशोर जैना है इन्होंने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है जैवलिन थ्रो में, और नीरज चोपड़ा ने जो है 88.88 मीटर की दूर भाला फेंककर जो है गोल्ड मेडल हमारे देश को जितवाया है 19वें एशियन गेम्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन विच ईयर वॉज नीरज चोपड़ा ऑनर विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से नीरज चोपड़ा को किस ईयर जो है वो ऑनर करा गया था? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 2021। तो फ्रेंड्स 2021 में नीरज चोपड़ा को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन विच ईयर वॉज नीरज चोपड़ा अवार्डेड द पद्मश्री अवार्ड। तो इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी जो है वो मिला जा चुका है, तो ये इनको किस ईयर में मिला था? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 2022 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन विच ईयर वॉज नीरज चोपड़ा अवार्डेड द अर्जुना अवार्ड। तो अर्जुना अवार्ड जो है ये इन्हें दिया गया था 2018 में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैवलिन थ्रो डे विल बी सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डेट। तो जो प्रतिवर्ष जैवलिन थ्रो दिवस है ये किस डेट को मनाया जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 7th अगस्त।
अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तो फ्रेंड्स ऑन अगस्त 7 इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020 जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा वॉन द फर्स्ट प्लेस इन द कंपटीशन बाय थ्रोइंग 87.58 मीटर्स जैवलिन देयरफॉर दिस डे विल बी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज जैवलिन थ्रो डे। तो जो 7 अगस्त 2020 को इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में हमें गोल्ड मेडल जितवाया था उसी दिन की जो याद में है प्रतिवर्ष जैवलिन थ्रो दिवस जो है मनाया जाने लगा है तब से 7 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच गैलेंट्री मेडल वॉज अवार्डेड टू ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ऑन रिपब्लिक डे 2022। तो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जो नीरज चोपड़ा है फ्रेंड्स इन्हें गणतंत्र दिवस 2022 में जो है किस वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी परम विशिष्ट सेवा मेडल से इन्हें सम्मानित किया गया था रिपब्लिक डे 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नीरज चोपड़ा इज सर्विंग इन विच पोस्ट इन द इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी में जो है ये किस पद पर कार्यरत हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी नायब सूबेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन विच मेडल डिड नीरज चोपड़ा विन एट टोक्यो ओलंपिक्स 2020। तो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में फ्रेंड्स इन्होंने हमें गोल्ड मेडल जितवाया था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो नीरज चोपड़ा वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट विद द थ्रो ऑफ 87.58 मीटर्स। तो इन्होंने जो है पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में फ्रेंड्स 87.58 मीटर के थ्रो के साथ जो है गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक्स में। और ही वॉज द ओनली इंडियन एथलीट टू विन अ गोल्ड मेडल एट द टोक्यो ओलंपिक्स 2020। और ये एक अकेले ऐसे इंडियन एथलीट थे जिन्होंने की 2020 में देश के लिए गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन हू हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन अ गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स 2023। तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट जो हैं वो कौन बने हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी नीरज चोपड़ा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो नीरज चोपड़ा सिक्योर्ड फर्स्ट प्लेस इन द जैवलिन थ्रो कंपटीशन बाय 88.17 मीटर्स। इन्होंने दूर जो है वो भाला फेंका और इसी के साथ इन्होंने जो है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हु हैज won द टाइटल ऑफ दोहा डायमंड लीग 2023। तो दोहा डायमंड लीग 2023 का जो टाइटल है ये भी जीता गया नीरज चोपड़ा द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नीरज चोपड़ा हैज won दिस टाइटल विद द बेस्ट थ्रो ऑफ 88.67 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन विच मेडल हैज बीन won बाय इंडियन प्लेयर नीरज चोपड़ा इन जैवलिन थ्रो इवेंट इन ज्यूरिख डायमंड लीग 2023। तो ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 में जो है इन्होंने कौन सा मेडल जीता। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी सिल्वर मेडल। ज्यूरिख डायमंड लीग जो थी फ्रेंड्स इसमें नीरज चोपड़ा ने 85.71 मीटर का जो है वो बेस्ट थ्रो किया। और अगर वहीं हम बात करें इसके वेन्यू की तो इसे स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में इसका जो है आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी मेडल हैज नीरज चोपड़ा वोन सो फॉर इन द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो इन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 2। अगर हम वहीं बात करें कब कब इन्होंने मेडल्स जीते तो फ्रेंड्स इन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में जो है सिल्वर मेडल जीता था और वहीं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नीरज चोपड़ा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन विच मेडल इन जैवलिन थ्रो इन द एशियन गेम्स 2018। तो एशियन गेम 2018 में नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में जो है कौन सा पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए गोल्ड मेडल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो नीरज चोपड़ा वॉन द गोल्ड मेडल इन द 2018 एशियन गेम्स विद द थ्रो ऑफ 88.06 मीटर्स। तो इन्होंने एशियन गेम्स जो हुई थी 2018 में फ्रेंड्स उसमें इन्होंने 88.06 मीटर थ्रो के साथ जो है वो गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन द टाइटल ऑफ लुसानी डायमंड लीग 2022। तो जो लुसानी डायमंड लीग 2022 का टाइटल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं वो भी बन गए हैं नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं. तो नीरज चोपड़ा विंस लुसानी डायमंड लीग 2022 विद हिज मैडन थ्रो ऑफ 89.08 मीटर. और अगर बात करें इसके वेन्यू की, तो इसका जो आयोजन है ये करा गया था फ्रेंड्स स्विट्जरलैंड में. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेयर हैज लेड द इंडियन टीम इन द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023. तो जो भारतीय दल का नेतृत्व करा फ्रेंड्स विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में, वो भी करा नीरज चोपड़ा ने. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वोन द टाइटल ऑफ लोजेन डायमंड लीग 2023. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नीरज चोपड़ा. देखिए ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा हैज टॉप द लोजेन डायमंड लीग 2023 विद द बेस्ट थ्रो ऑफ 87.66 मीटर. तो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा जो है, इन्होंने लोजेन डायमंड लीग 2023 में जो है 87.66 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ जो है शीर्ष स्थान हासिल करा है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द वर्ल्ड नंबर वन प्लेयर इन द मेन्स जैवलिन रैंकिंग इन मे 2023. तो जो पुरुषों की जैवलिन रैंकिंग में दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी बन गए हैं मई 2023 के अकॉर्डिंगली, वो बन गए हैं फ्रेंड्स नीरज चोपड़ा. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन अ ज्यूरिक डायमंड लीग 2022 टाइटल. तो ज्यूरिक डायमंड लीग का टाइटल विन करने वाले जो फर्स्ट इंडियन एथलीट हैं वो भी बन गए हैं नीरज चोपड़ा. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें, तो नीरज चोपड़ा वन दिस टाइटल विद द बेस्ट थ्रो ऑफ 88.44 मीटर्स इन द फाइनल्स हेल्ड इन ज्यूरिख. तो इन्होंने जो है ये टाइटल जीत लिया अपने बेस्ट थ्रो के साथ. 88.44 मीटर का बेस्ट थ्रो इन्होंने करा और इसी के साथ इन्होंने जो है ज्यूरिख में हुए फाइनल्स में ज्यूरिख डायमंड लीग का खिताब जो है वो जीत लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द मोस्ट रिटन अबाउट एथलीट इन द फील्ड ऑफ ट्रैक एंड फील्ड इन द एयर 2022. तो वर्ष 2022 में ट्रैक एंड फील्ड क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा लिखे जाने वाले एथलीट बन गए हैं फ्रेंड्स, वो बन गए हैं नीरज चोपड़ा. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेडल हैज इंडियाज जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा वोन इन द क्वार्तानी गेम्स 2022. तो क्वार्तानी गेम्स जो 2022 थे, इनमें जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने जो है कौन सा मेडल जीता. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड मेडल जीता इन्होंने इसमें भी. और इंडिया जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा हैज वोन द गोल्ड मेडल इन द क्वार्तानी गेम्स 2022 बाय थ्रोइंग द जैवलिन 86.69 मीटर्स. तो इन्होंने जो है क्वार्तानी गेम्स 2022 में 86.69 मीटर्स दूर भाला फेंककर जो है फ्रेंड्स गोल्ड मेडल जीता. वहीं अगर हम बात करें क्वार्तानी गेम्स 2022 जो है इनका वेन्यू कहाँ था, यानी कि आयोजन स्थल, तो इनका वेन्यू रखा गया था फिनलैंड में. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द पावो नूर्मी एथलेटिक्स मीट 2022 इंडियन जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा क्रिएटेड अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड बाय थ्रोइंग द जैवलिन हाउ मेनी मीटर्स अवे. तो पावो नूर्मी एथलेटिक्स मीट 2022 थी जो, उसमें भारतीय जैवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा जो हैं, इन्होंने कितने मीटर दूर भाला फेंककर जो है वो नया नेशनल रिकॉर्ड जो है वो बनाया है. तो राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 89.94 मीटर का. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हैं. तो नीरज चोपड़ा वोन सिल्वर मेडल इन द जैवलिन थ्रो कॉम्पिटिशन विद अ न्यू पर्सनल बेस्ट ऑफ 89.30 मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा वोन द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया बाय थ्रोइंग हाउ मेनी मीटर्स ऑफ जैवलिन इन द कॉमनवेल्थ गेम्स 2018. तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में नीरज चोपड़ा ने जो है कितने मीटर दूर जैवलिन थ्रो करते हुए भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था. तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 86.47 मीटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज द आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम ऑफ पुणे कैंटोनमेंट बीन रीनेम्ड एज. तो पुणे शामनी के आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम का जो नया नाम है वो क्या रखा जाएगा. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नीरज चोपड़ा स्टेडियम. लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम अपनी आज की वीडियो का. इसके बाद मैं आपसे 2 क्वेश्चन का टेस्ट लूंगी और उससे पहले जो है मैं आपको लिस्ट बताऊंगी जितने भी मेडल्स जो है अब तक नीरज चोपड़ा द्वारा जीते गए हैं, जो भी इन्होंने जीते हैं उनकी एक बार हम फाइनल लिस्ट जो है वो देखेंगे टेबल के थ्रू. तो देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा.
तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, बुक के जो ऑथर हैं उनका नाम है फ्रेंड्स नवदीप सिंह गिल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये तो थे हमारे 26 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम एक बार लिस्ट देख लेते हैं जो कि नीरज चोपड़ा ने मेडल्स वोन करे हैं अब तक उनके बारे में। तो देखिए 2016 में इन्होंने साउथ एशियन गेम्स में जो है वो गोल्ड मेडल जीता था, और अगर हम बात करें इसके वेन्यू की तो ये इंडिया के गुवाहाटी में इसका आयोजन करा गया था। 2016 की एशियन अंडर 20 चैंपियनशिप में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता और इसका आयोजन करा गया था वियतनाम में। 2016 वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और इसका वेन्यू रखा गया था पोलैंड में। 2017 में इन्होंने एशियन चैंपियनशिप्स में गोल्ड मेडल जीता था जो कि भुवनेश्वर इंडिया में इनका वेन्यू रखा गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉमनवेल्थ गेम्स की जो कि 2018 में हुई, इन्होंने इसमें भी गोल्ड मेडल जीता और इनका आयोजन करा गया था ऑस्ट्रेलिया में। 2018 की एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और इसका जो वेन्यू रखा गया था ये रखा गया था इंडोनेशिया के जकार्ता में। 2021 की ओलंपिक गेम्स जो कि टोक्यो जापान में हुई फ्रेंड्स, इन्होंने इसमें हमें गोल्ड मेडल जितवाया। वही 2022 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने फिर हमें सिल्वर मेडल जितवाया। 2023 की वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और इसका आयोजन करा गया था हंगरी के बुडापेस्ट में। तो ये थी इंपॉर्टेंट लिस्ट मेडल्स की जो कि इनके द्वारा अभी तक जीते गए हैं। उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छे से लर्न होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब मैं आपसे 2 क्वेश्चंस का टेस्ट लूंगी जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है कंप्लीट वीडियो देखने के बाद। तो देखिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, नीरज चोपड़ा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के ऊपर है, राइट आंसर आपने कमेंट बॉक्स में लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट का है, विच मेडल हैज बीन वॉन बाय नीरज चोपड़ा एट द एशियन गेम्स 2023। 4 ऑप्शंस आपके पास है, राइट आंसर आपने कमेंट बॉक्स में लिख देना है। इसी के साथ आज की हमारी वीडियो जो है वो कंप्लीट होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेगा न्यू वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।